अस्सलाम नाज़रीन, मैं ज़ाकिर फ़ान बस्कुलाजी। तो मेरे यूट्यूब चैनल मजालिस इरफान। सबसे पहले मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना जिन्होंने दोस्तों भाई मेरे यूट्यूब चैनल मजालिस इरफान को सब्सक्राइब किया और दुआ गुआ खालिक के नाथ मालिक के नाथों को अपने हिफ्ज़ो अमान च रखे। और उम्मीद करना सारे दोस्त मेरा खैर खैरियत ना खुश हो। और दोस्तों जैसा कि मैं हर मजलिस गुजारिश कर रहा ना कि मेरे इस यूट्यूब चैनल मजालिस इरफान ते या अल्लाह दे कुरान दे अकामत रसल सी या अहमद तरीन सीरत रसीद या मोहम्मद मुस्तफ़ा का फरमान रसल सी। खालिक कायनात ने साड़ी खुशनसीबी है कि सब खालिक कायनात ने अली जैसा इमाम अता किया है। खुशनसीब है मेरे मिल सदर वो इंसान खुश नसीब है वो बंदा जो अल्लाह ने अली जैसा इमाम अता किया है। चूँकि कायनात दे कहीं फिक्के दा रहबर कायनात दे कहीं फिक्के दा इमाम अल्लाह दे घर नहीं आया वह सदा इमाम है अमीर अल मोमिनीन जेड़ा अल्लाह दे घर खाना खावे जाए। दोस्तों मैं हर मजलिस की गुजारिश कर रहा फकत अली बादशाह की अजमत को अली बादशाह को ना मनूँ बल्कि अली दी भी मनूँ। चूँकि सिर्फ अगर असा फजाइल अली तक भी महदूद रह गए तो फिर सकूँ अमीर अल मोमिनीन को मनन का कोई फायदा सकू ना हो सी। चूँकि असा अली को इमाम मनूँ भी अली को कोई फायदा नहीं। अगर असा अली बादशाह को नौज़ बिल्ला इमाम ना मनूँ फिर भी अली को कोई फायदा नहीं। दोस्तों असा अली बादशाह को इमाम मने तवत अली इमाम दी भी मनूँ क्योंकि जेड़ा काम अमीर अल मोमिनीन आखे करो साढ़े ते वाजिब असों को कजा ना करूँ जेकर अली बादशाह रुके वो को अदा ना करो। ये है अली बादशाह दे हुक्म दी ताबे। चूँकि जेड़ा अली खुद एक रकात च हज़ार नकात नमाज नवाफिल पढ़ते वो बे नमाज को अपना मोमिन किवें तस्लीम करे सी। जेड़ा अली खुद मस्जिद कूफा दे विच जरब नाल शहीद होए मस्जिद दे विच सजदे दी हालत च वो बे नमाज मोमिन को किवें अली पसंद करेंगे। जे अली पूरी जिंदगी रोजे रखें वो अली बगैर रोजे वाले मोमिन को किवें पसंद करेंगे। दोस्तों जे अली पूरी जिंदगी यतीमें दी खिदमत की है जे अली पूरी जिंदगी यतीमें दा मस्कीने दा ख्याल रखे वो यतीमें मस्कीने तो जुल्म करने ले मोमिन को अली बादशाह किवें पसंद करेंगे। दोस्तों एक फिक्र है एक सोच है एक पैगाम है जेड़ा मैं इस प्लेटफार्म के थ्रू तमाम नाजरीन को तमाम सामरीन को तमाम मोमिनीन को देना चाहता। दोस्तों अली बादशाह जेड़ा खुद एक रकात एक रात हज़ार रकात नमाज नवाफिल ना करे अली बादशाह पूरा साल दे नमाज़ा छोड़ के एक ईद नमाज पढ़ने ले मोमिन को अली बादशाह की भी पसंद करेंगे। क्योंकि दोस्तों अली वाला होंदा भी वो है जेड़ा नमाजी होवे और जेड़ा नमाजी होवे उसको चाहिए कि अली बादशाह द मोमिन सदावण का दावा करे। क्योंकि चौदह मासूम इस्लाम की सीरत पढ़ के देखो कि इमाम ने हर मासूम ने मुश्किल वक्त नमाज दा ही दर्स दिते समीन नमाज दा ही पैगाम हर मासूम ने नीते। तसामीन असा फकत अली बादशाह को जबान नल न मनू बल्कि अली बादशाह दी भी मनू। चूंकि अमीर अल मोमिनीन फरमैन के साडा शिया वो है जेड़ा नमाज हो गए। और दोस्तों नमाज की बहुत बड़ी अहमियत है ख्याल कराए अमीर अल मोमिनीन का फरमान है कि जिसने नमाज को हकीर समझे उसने दीन दे महल को ढवा दिते गिरा दिते। चूँकि नमाज दीन दा सतून है नमाज मोमिन दी मेराज है नमाज मोमिन और काफिर दे दरमियान फर्क है। जिस चीज़ दा काफिर और मोमिन दे दरमियान फर्क है उस चीज़ का नाम है नमाज। चूँकि मोमिन खालिक दे सामने सजदा करें दे झुकदे सामीन काफिर झुकदा नहीं।
तो मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मोमिन और काफिर दरमियान फर्क फकत नमाज का है, साढ़े मनन वाला वो हो जो नमाजी हो। तो दोस्तों अगर खुदा ना खासा खुदा ना खासा असा तारे के सलात है तारे के नमाज है तो वह तो किवें दावा कर सकते हैं जो असा मौला अली अलैहिस्सलाम के मनन वाले हैं, असा किवें दावा कर सकते हैं असा मुहिब्बे अहले बैत हैं, असा किवें दावा कर सकते हैं असा शिया ने हैदर करार हैं, असा किवें दावा कर सकते हैं असा मातमी मातमदारा ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं। दोस्तों ऐसा मुमकिन नहीं। अली बादशाह को भी मनू अली दी भी मनू। दोस्तों इसे का नाम है शियत, इसे का नाम है मोमिनियत। असा अगर अली बादशाह दी फकत फजीलत मन की दी, अली बादशाह ने फजाइल घंटे घंटे ने चार चार पांच पांच छः छः घंटे दे अगर सा फजाइल पढ़ूं ते अमीर अल मोमिनीन दे अहकामात को जिथा अमीर अल मोमिनीन जेड़े हुक्म दित्ते उन्हां दी तामील ना करूं, दोस्तों फिर तो कोई फायदा नहीं। चूंकि कामयाबी उस वक्त हो सी जिस वक्त असा अली बादशाह को भी मनूं और अली बादशाह दे अहकामात भी मनूं। तो समीन ये चीज़ा जिन्हें मैं इस अपने यूट्यूब चैनल मजल सिरफान ते गुजारिश कर रही हूँ बहुत अहम और बहुत कीमती है। अमीर अल मोमिनीन फरमाते हैं कि जेड़ा साडे मनन वाला हो सी, जेड़ा साडी सीरत ते चलन वाला हो सी, अमीर अल मोमिनीन फरमाते हैं नमाजी हो सी, वो अज़ादार हो सी। और अमीर अल मोमिनीन फरमाते हैं कि अगर कहीं जगह ते आबादी हो गए किसी शहर की 60,000 की आबादी हो गए उस बाकी सारे सारे दुश्मन आते होवन ते हीक घर उथाई मोमिन का होवे, हीक घर साढ़े मनन वाले का होवे, हीक घर शिया ने हैदर करार का होवे। तो अमीर अल मोमिनीन फरमाते हैं कि जेड़ा बाहर तो आने वाला मुसाफिर होवे उको महसूस थीवे, उको पता लगे कि ये जेड़ी बाकी आबादी है सारी कुलम कुल आबादी ये अमीर अल मोमिनीन के दुश्मन आंदी है, जेड़ा ये हिक घर है ये वाहिद अमीर अल मोमिनीन के मनन वालों का है। तो दोस्तों गुजारिश ये है कि अमीर अल मोमिनीन के मनन वाले को कैसा होना चाहिए, अमीर अल मोमिनीन के मनन वाला तारे के सलात ना हो सी, अमीर अल मोमिनीन के मनन वाला झूठ ना बोले ना हो सी, अमीर अल मोमिनीन के मनन वाला चोरी ना करेंदा हो सी, अमीर अल मोमिनीन के मनन वाला शराब ना पींदा हो सी, अमीर अल मोमिनीन के मनन वाला जुआ ना खेलदा हो सी, अमीर अल मोमिनीन के मनन वाला कहीं दूजे मुसलमान मोमिन नाल ज्यादती ना करेंदा हो सी। दोस्तों अमीर अल मोमिनीन के मनन वाला पांच वक्त का नमाजी हो सी, रोज़ादार हो सी, मातमदार हो सी। दोस्तों फकत अली बादशाह को जबान नाल मन के अस दावा तो कर सकते हैं कि अस अमीर अल मोमिनीन के मनन वाले हैं, मगर अली बादशाह की सीरत को छोड़ के अस कामिल शिया नहीं बन सकते। चूंकि अमीर अल मोमिनीन अली अबर अबी तालिब का फरमान है कि साढ़े मनन वाला वो है जरा सारी सीरत अपने दे, जरा सारी सीरत अमल करें दे। तो दोस्तों सोचना सब ये चाहिए कि असा अमीर अल मोमिनीन दे शिया हैं, असा अमीर अल मोमिनीन दे आज़ादार हैं, असा अमीर अल मोमिनीन दे मातमदार हैं, असा बादशाह इमाम हुसैन दे मातमदार हैं। सब अपने गरेबान दे अंदर झांक के देखना चाहिए कि असा कितनी हद तक अहमद तहरीन दी सीरत को अपनाए, असा कितनी हद तक फरमान आले मोहम्मद को अपनाए, असा कितनी हद तक फरमान मोहम्मद मुस्तफा ते अमल कीते, असरा कितनी हद ते कुरान दे अहकामात मने, असरा कितनी हद तक इतात रसूल और इतात मोहम्मद वाले मोहम्मद की दी। दोस्तों अगर फकत दावे दी हद तक है तो दोस्तों साहब को फिर अली दी विलायत कोई फायदा ना दिसी। अगर अस अमीर अल मोमिनीन दी सीरत ते अमल करें दे पाए हैं तो यकीनन अस कामयाब हैं, यकीनन वो बंदे कामयाब हो सन जे सीरत अहल बैत चलते।
जेरा मोहम्मद मुस्तफ़ा की इतात करें। तो दोस्तों दुआ करें खालिक के नत मालिक के नत तो सको अहमद तहरीन इस्लाम की सीरत अमल करने की तौफीक अदा फरमावे। और मैं दुआ गुआ मालिक करना खालिक करना जो दोस्त नाज़रीन सामीन मेरा यूट्यूब चैनल मजा सिर्फ लेते पन मालिक तमाम दोस्तों को अपनी हिफ्ज़ अमान रखी। और मैं गुजारिश करना चाहना जिन्हें दोस्तों भाई मेरे यूट्यूब चैनल मजा सिर्फ सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करो घंटी का बटन दबाओ ताकि आज़ादारी के हवाले हर मजरे से ज़्यादा नोटिफिकेशन तक मिल सके। वसलाम।